नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। क्या राजनीति में बने रहने के लिए और जनता को लुभाने के लिए, या फिर मैं ये कहूं क्या चुनाव जीतने के लिए भाषा का स्तर गिराना जरूरी है? यह सवाल मैं इसलिए उठाना हूं क्योंकि लगभग अब महाराष्ट्र में एक राजकीय तस्वीर स्पष्ट होते हुए नजर आ रही है, लगभग स्पष्ट होते हुए नजर आ रही है कि एक तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना उद्धव ठाकरे ये मिलकर लड़ेंगे और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। इसमें कोई दम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का शिवसेना के साथ, शिंदे गुट का कोई मायने नहीं है और शायद भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कल जाके मुंबई महानगर पालिका हो या फिर 2024 9 महीने के बाद लोकसभा के हो या उसके बाद विधानसभा के हो, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला महाविकास आघाड़ी से ही होने वाला है। और ये महाविकास आघाड़ी जो एक मजबूत आघाड़ी है, इस आघाड़ी के खिलाफ अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करना है और फिर जीतना है तो निश्चित तौर पर अकेले भारतीय जनता पार्टी को फिर 47-48 या 50% 50-52% अगर एक अकेले सिंगल उम्मीदवार के साथ अगर संघर्ष हो जाए तो फिर 50 के ऊपर, और आखिरी आखिरी में जो आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 26% वोट मिले, क्योंकि इसके पहले का चुनाव शिवसेना से मिलकर उन्होंने लड़ा था और वो एकत्रित शिवसेना थी तो 18% के करीब था, और इसलिए 26 और 18 ये पकड़कर करीब करीब जो है कि 44-45% का मत हो गया। और उस समय पिछला चुनाव जो है वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले सारे चुनाव इतने आसान नहीं है, और कोई नए दल वगैरह बड़े दल बचे तो है नहीं। अब महाविकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो बाहर तो कोई बड़े दल बचे नहीं, और लगभग ये भी स्थिति शामिल स्पष्ट होते जा रही है कि कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इतने जल्दी कुछ टूटेगा, और अगर टूटे तो विधायक टूटेंगे लेकिन पार्टी टूटेगी, ऐसी स्थिति अब नहीं है। तो फिर क्या करें, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता, या जिसको कहेंगे कि पार्टी के अंदर से किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं, ऐसे अगर कोई नेता है तो वो देवेंद्र फडणवीस है, और फिर बाकी जो नेता है उनकी कोई कद उस ढंग का बन नहीं पाया जो राज्य के नेता के रूप में, क्योंकि एक कद बहुत बड़ा कद तो है वो है नितिन गडकरी जी का, लेकिन नितिन गडकरी जी तो कोई महाराष्ट्र में आना नहीं चाहते और आएंगे भी नहीं, और जिस प्रकार का पार्टी के अंदर उनकी स्थिति है या उनका जो इक्वेशन है, और बाद में देवेंद्र फडणवीस
और नितिन गडकरी का भी जो इक्वेशन खराब हुआ है, खटास आई हुई है, तो नितिन गडकरी तो वापिस कोई महाराष्ट्र में आना नहीं चाहते। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, उनका कोई इतना बड़ा कद नहीं है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जितवा के ला सकते हैं। वो खुद पिछला चुनाव भी हार गए थे और उनका कोई कद वैसा उस प्रकार का नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा भविष्य जो है चुनावी, वो अगर किसी के कंधों पर है, वो भी अकेले किसी के कंधों पर है, तो वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जो छवि है, वो छवि बनाई जो गई है, क्योंकि असली छवि तो अब दिख रही है, उसमें मैं आऊंगा। पढ़े लिखे, उच्च वर्णीय, सुसंस्कृत, भाषा जो है सभ्य भाषा बोलने वाले हैं, और कहते हैं कि समाज में भाषा वाला, इसको बहुत महत्व है, क्योंकि भाषा और भाषा शैली, भाषण में वापरा जाने वाला भाषा और भाषण की शैली, ये दो अलग अलग चीज है। लेकिन शायद देवेंद्र फडणवीस को ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी भाषा का स्तर को कम कर दे, तो उनकी सहमति बहुसंख्यक लोगों में, आम लोगों में ज्यादा जो है स्वीकृति मिलेगी और वो ज्यादा लोकप्रिय होंगे। और देख रहे हैं हम लोग पिछले कुछ महीनों में, और खास करके अब तो 3-4 महीनों में, देवेंद्र फडणवीस की जो भाषा है, वो भाषा जिसको कहते हैं कि सड़क के किनारे जो लोग वापरते हैं, वो वापर रहे हैं। मैं आम नागरिक जो चाय के दुकान पर बोलते हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि वो उनकी भाषा है। लेकिन जिसकी भाषा नापातौल और एक दर्जे में, और उसी को वो अपनी पूंजी मानता हो, वो जब सड़क पर की भाषा का इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर वो इरादे से करना चाहता है। कहीं ना कहीं उसकी अवचेतना में ये समझ है कि जो पिछड़े हैं, जो अवाम है, उनको ये भाषा ज्यादा लुभाएगी। इसलिए वो जब वो भाषा बोलना चाहता है, तो उसके समझ ये होती है कि भाषा के स्तर को कम करके बोलो। इसलिए मैं ये सवाल उठाना चाह रहा हूं कि जो लोग जानबूझ के लोकप्रिय होने के लिए भाषा का जो स्तर है उसको नीचे लाते हैं और तालियां बजवाने की कोशिश करते हैं, तब कहीं ना कहीं वो पूरे का जो आम नागरिक होता है, अवाम होता है, उसका वो मजाक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं कि जो अवाम होता है उसकी भाषा का स्तर, दर्जा कम होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ भाषा से, और आपकी भाषा शैली, भाषण शैली ना हो, तो आपको कोई फायदा नहीं होता है। उलट एक जागरूक समाज में बहुत जल्दी
इसको पकड़ लिया जाता है कि ये जानबूझकर लोगों को लुभाने के लिए ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोग फिर अपमानित भी महसूस करते हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जाने अनजाने में ये भूल रहे हैं कि उनके भाषा का स्तर कम करने से फायदा होगा नहीं, उल्टा उनका नुकसान होगा, क्योंकि मेहनत का समाज, वंचित समाज, पिछड़ा समाज जो है वो ये समझ जाता है कि ये जानबूझकर इसकी अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, ये जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनको लगता है कि जो बहुजन समाज है ये उनसे प्रभावित होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उलट देवेंद्र फडणवीस अपनी भाषा का स्तर गिराकर भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा नुकसान करेंगे, फायदा नहीं करेंगे। अंततोगत्वा बहुजन समाज, मेहनत का समाज, वंचित और पिछड़ा समाज वो भी जागरूक है, ये उन्होंने नहीं भूलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।